आई होप कि आप खैरियत से होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद चैनल में, और आज मैं आपको लेकर आया हूँ कोटरी जंक्शन पे, जहाँ पे मैं ट्रैवल करूँगा मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस में, जो कि अभी रिसेंटली जो है प्राइवेट सेक्टर में दी गई है और इसका इनॉग्रल हुआ है। एसएन जमील कंपनी बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है इस ट्रेन में, और ये रैक इसका मौजूद है कोटरी जंक्शन पर। तो आएँ अपनी कोच में बोर्ड होते हैं और देखते हैं कि कैसा ट्रैवल हमारा रहता है। टिकट मैंने जो है वो इसका परचेज कर लिया है, ये टिकट है। कराची से सेवन तक मैं जाऊंगा और 210 रुपये इसका फेयर है। सीएफआई रैक है ये, मैं बाहर से भी आपको इसका एक रिव्यू दे देता हूँ। कोटरी बरासा लाड़काना रोहड़ी एस जमील एंड कंपनी की ये ट्रेन जिसमें मैं अपना ट्रैवल करूंगा। सात बोगियों का ये रैक है। तो आपने मेरे साथ रहना है, आई होप आपको मेरी ये जर्नी पसंद आएगी। थैंक यू। तो इसका अच्छी नई सीएफआई कोचेज हैं इसकी, और ये साफ सुथरा रैक है। बेहतरीन, नीट एंड क्लीन। व्यूअर्स, मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस कोटरी से डिपार्चर हो रही है। मैं आपको इसका डिपार्चर दिखा रहा हूँ। जीएमयू 30 जो है वो इसको लीड करेगा। एस जमील एंड कंपनी की ट्रेन मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस जो है वो कोटरी से रोड़ी के लिए डिपार्चर कर रही है, और मैं इसमें अपना ट्रैवल जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ कोटरी से लेके सेवन तक। 10:25 पे इसने डिपार्ट किया है, 10 मिनट ये डिले है। ये सामने आपको जो बैनर नज़र आ रहा है वो अंदर इसका वो बुकिंग ऑफिस है, जहाँ से इसकी जो टिकट जो है वो परचेज़ की जाती है। और अभी हम ML1 को छोड़ के ML2 पे जो है वो ट्रैवल करते हुए सेवन तक पहुंचेंगे, और इसका टोटल ट्रैवल जो है वो ML2 पे है। तो मैं आपको वो डाइवर्जन भी दिखाता हूँ अभी कि ML2 पे ये कहाँ से डाइवर्ट होगी। तो स्टे विद मी। कोटरी को बेसिकली जंक्शन इस ML1 और ML2 के डाइवर्जन की वजह से ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक ML1 जो है वो रास्ता हैदराबाद और रोड़ी खाने वाला पिशावर तक जाती है फिर लाइन, और दूसरी लाइन ML2 जो है वो कोटरी से सेवन, दादू, लाड़काना, जैकबाबाद और ML3 तक को टच करती है, और एक जो है वो फिर ML1 पर जाके जो है वो निकलती है रोड़ी पर। ये गार्ड रनिंग रूम बना हुआ है कोटरी जंक्शन का।
धूप काफ़ी तेज़ है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं व्यूवर्स। अभी हम ML1 से ML2 पे डाइवर्ट कर रहे हैं। ये मेरा राइट साइड पे जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, ये ML1 के डाउन और अप साइड के दोनों ट्रैक्स हैं। यहाँ से हम जाते हैं तो पोटरी ब्रिज आता है, यानी कि द्रयाग सेन का रिवर इंडस का ब्रिज आता। अब हम यहाँ से ML2 पे डाइवर्ट कर जाएंगे। ये डाउन साइड का ट्रैक है ML1 का और ये अप साइड का ट्रैक है ML1 का। देखिए दोनों लाइनें हमने छोड़ दी और हम लेफ्ट साइड पे चले गए हैं ML2 पे। आज मैं आपको ML2 के बारे में बताऊंगा कि ये ट्रैक जो है ML1। अब हम ML2 पर जो है वो एंटर हो चुके हैं। ये कोटरी का फ्रेट यार्ड, वो सामने आपको फ्रेम में नज़र आ रहा होगा ब्रिज इंडस रिवर का। डैमेज फ्रेट वैन जो हैं वो यहाँ पे इन लोगों ने जो है वो ऑफ रोड की हुई हैं। कॉल ऊपर पड़े हुए हैं, एक्सीडेंटल कॉल ऊपर हैं, एक्सीडेंटल ऑयल टैंकर। और ये ML2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है व्यूवर्स। आपको एक्सप्लोर करवाएंगे, आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। Thank you.
पास हो रहे हैं हम लोग इस टाइम। कैडेट कॉलेज पिटारो पे इस टाइम जो है वो मंजूदड़ा एक्सप्रेस ने अपना स्टॉप किया है। कोटी स्टेशन से चलने के बाद ये इसका दूसरा स्टॉप है। डिपार्चर विसल इसका हो चुका है। सामने आपको जो लीवर नज़र आ रहे हैं ये ट्रैक चेंजर लीवर हैं, जिसे हम पाकिस्तान रेलवे की लैंग्वेज में कांटा बोलते हैं। यहाँ से ये इसको अभी ये लूप ट्रैक पर खड़ी है, इसको फिर ML2 पर डाइवर्ट करेगा ये कांटा मैन। कैडेट कॉलेज पिटारो से जो है डिपार्ट हो रही है 213 आप मोहिदेड़ो एक्सप्रेस रोड़ी जाने के लिए। सामने स्टेशन की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। Thank you.
रहा है जी थर्टी। अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवे। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये ट्रेन भी लेके अपने सिस्टम में? आपसे पूछेंगे, पैसेंजरों से पूछना चाहेंगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, क्लीनलीनेस के हवाले से बहुत अच्छी है और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। स्पेशली जो है ये चार्जिंग की फैसिलिटी जो दी है ये बहुत अच्छी दी है, और साथ साथ जनरेटर चली भी चलता था, जनरेटर थोड़ी तक चलेगा हमारा। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। अच्छा वसीम, आप डेली ड्यूटी इसी पे मौजूद रोड़ों पे करते हैं? जी मेरी मौजूद रोड़ों पे। अच्छा तो इसमें मैं देख रहा हूँ व्यूवर्स के वेंडर्स भी आ रहे हैं जिसमें आपको खाने पीने का सामान भी जो है वो दस्तियाब है ईजीली। अच्छा और ये बहुत अच्छी एक सहूलत है। थैंक यू वसीम, थैंक यू। ये एहसन जमील के एक एम्प्लॉय टिकट चेकर से मैं आप उनका रिव्यू ले रहा था। एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है ये कंपनी। अन्नपुर रेलवे स्टेशन से जो है वो पास कर रहे हैं। नौचक साउंड मैं आपको सुनवाता हूँ इसका, GNU 30 का।